स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है ये अमेरिका के द्वारा जो मुख्य रूप से तीन तरह के युद्ध किए गए, अमेरिका ने जो मुख्य तीन युद्ध किया उसके बारे में है। तो देखिए आज हम लोग ये जानेंगे कि अमेरिका ने इन्फिनाइट रिच को कैसे मॉडरेट किया, किस तरह उसने इराक को घुटने पर ला दिया और एंडरिंग फ्रीडम के बारे में जानेंगे। देखिए इराक का जो युद्ध हुआ था उसको बहुत जगह पर गल्फ युद्ध भी बोला जाता है, बहुत स्थानों पर इसको एक तरह का खाड़ी युद्ध भी बोला जाता है और इस तरह करके इसके कुछ नाम है। अब हम लोग पहले जानते हैं कि अमेरिका ने किस तरह से इन्फिनाइट रिच के युद्ध को अंजाम दिया था। होता क्या है, 20 अगस्त 1998 को तालिबान के कुछ क्षेत्र, ठीक है, तालिबान के कुछ क्षेत्र में अमेरिका बमबारी करती है। मतलब इसका कारण क्या रहता है कि केनिया और जेरूसलम, ये दो जगह है जहां पर केनिया के नॉर्बी और जेरूसलम के तंजानिया में अमेरिका दूतावास पर आतंकवादियों द्वारा हमला किया जाता है। बहुत भारी मात्रा में बमों का विस्फोट किया जाता है जिसमें अमेरिका दूतावास के सभी व्यक्ति जो है वो मारे जाते हैं और इसके मारे जाने के कारण अमेरिका बौखला जाता है और बौखलाहट के कारण अमेरिका ये अपने क्या करता है, उसे अपने में बहुत खराब फील होता है कि उसे बेइज्जती का सामना करना पड़ता है क्योंकि एक ऐसा शक्तिशाली देश जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरा पावर में था उसे कोई तीसरा आदमी या कोई तीसरा संगठन गिराना चाह रहा था और ये पूरा आरोप जो था वो अलकायदा पर लगता है। अलकायदा पर ये आरोप लगने के बाद अलकायदा क्या करती है, इसको दबाने के लिए वहाँ से वो लोग निकलने का प्रयास करती है लेकिन अमेरिका जो है इसका पूरा बदला लेता है और इसलिए सूडान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में अमेरिका भारी बमबारी करती है। इसके लिए वो क्रूज मिसाइलों का उपयोग करती है, बहुत तरह का ऐसे मिसाइल्स का यूज करती है जो कंप्यूटर से मॉडरेट किया जा सकता था। मतलब यहाँ पर ऐसे बमों का उपयोग किया गया था जो ड्रोन्स के द्वारा या फिर बोल सकते हैं कि घातक मिसाइलों द्वारा चलाया जा रहा था। इस तरह के जो भी युद्ध के कारण थे ये अमेरिका का बदला था, किसके लिए, अपने लोगों के मरने के लिए। तो तालिबान में उन्हें ये शक होता है कि तालिबान का जो अलकायदा ग्रुप है इसका मतलब मैन जड़ यही लोग है, इसीलिए उस पर हमला किया जाता है किसके द्वारा, अमेरिका द्वारा। अच्छा, सूडान और अफगानिस्तान में ये सिर्फ अलकायदा जो था फैला था लेकिन पूरे क्षेत्र में नहीं, लेकिन अमेरिका ने ऐसे क्षेत्रों में भी बमबारी की थी जहां मासूम लोग मारे गए थे, बहुत ज़्यादा मासूम लोग मारे गए और अमेरिका ने इसके लिए यूएन का भी जरा सा भी जिक्र नहीं किया, ना यूएन का परवाह किया, यानी यूनाइटेड नेशन से भी अमेरिका ये मतलब दिखाना चाह रहा था यूनाइटेड नेशन को कि हम तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं और उसकी बातों को भी पूरी तरह मानने से इनकार कर दिया था। इस तरह अमेरिका ने क्या किया था, इन्फिनाइट रिच का बोल सकते हैं कि एक सफल मिशन को किया था लेकिन इसमें बहुत सारे बेगुनाह भी मारे गए थे, आतंकवादी भी तो मरे थे लेकिन बेगुनाह भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मरे थे। उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे बिल क्लिंटन, नाम याद रखिएगा, बिल क्लिंटन, ठीक है, जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि पहली बार क्रूज मिसाइलों का प्रयोग उसी युद्ध में होगा जो जहाँ पर अलकायदा के क्षेत्र थे, ये सूडान और अफगानिस्तान के क्षेत्र थे। सूडान का कुछ बड़े बड़े दवाई कंपनी थे जहाँ पर क्या किया गया था, बमों को गिराया गया था जिसके कारण बहुत बेगुनाहे मरे थे और साथ ही साथ उन दवाइयों से निकलने वाले जो रसायन थे उससे बहुत घातक बीमारी वहाँ फैली थी जिसके कारण वहाँ पर लोगों का अर्थव्यवस्था और उनकी जीवन शैली पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, पूरी तरह नष्ट हो गई थी। अब हम लोग अगला जो है अगला टॉपिक में जाते हैं। देखिए दूसरा टॉपिक जो है ये है इराक और कुवैत का, जिसको हम लोग बोलते हैं पहला खाड़ी युद्ध भी बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं एक तरह से इसको ऑपरेशन डिजास्टर स्टॉर्म या ये भी बोल सकते हैं कि गल्फ युद्ध। इसमें होता क्या है वो जरा बता देते हैं। देखिए 2 अगस्त 1990 को, गौर करिएगा, 2 अगस्त 1990 को इराक जो है जबरदस्ती कुवैत के हिस्सों में आ जाता है। ये कहानी कुछ ऐसा होता है कि 1961 में, ठीक है, इराक के पास कुछ मैप रहता है जिसके आधार पर वो उसे ये लगता है कि कुवैत जो है वो इराक का ही हिस्सा है, कुवैत इराक का ही हिस्सा है और इराक के सेनापति और इराक के जो सरकार थी उसको ये बात खलने लगती है कि वह कुवैत को अपना हिस्सा मानकर भी उसे अपने साथ नहीं मिला पा रहा है, जबकि कुवैत जो है वो विश्व का चौथा सबसे अमीर देश है और इराक को इस बात की बहुत ज़्यादा खलबली मची रहती है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि अरे एक छोटा देश जो मेरा ही अंग है और लेकिन मेरे से अलग है, क्यों नहीं हम इसको अपने साथ मिला लेते हैं। और 1961 से ये षड्यंत्र जो था शुरू हो गया था और इसके तहत इराक ने क्या किया, 2 अगस्त 1990 को, ठीक है, 6 घंटे के अंदर पूरे कुवैत को अपने हिस्से में ले लिया। इससे डर के वहाँ की सरकार जो थी, कुवैत की सरकार सीधे यूएन पहुँच जाती है और वहाँ जाकर के इस मामले को बताती है कि उनके साथ क्या हुआ है और इसके लिए अमेरिका जो है
अपने आप को अध्यक्ष बनाता है इस युद्ध के तहत कि अमेरिका इसका नेतृत्व करेगा, लेकिन उन्हें नाटो की सहायता चाहिए और नाटो के तहत, नाटो संगठन के तहत 34 देश जो है वो उसका पूरा समर्थन करते हैं, जिसमें सबसे पहले सऊदी अरब आगे आता है, क्योंकि सऊदी अरब को ये डर था कि अगर वो कुवैत को, इराक कुवैत पर हमला कर सकता तो वो सऊदी अरब को भी नहीं छोड़ेगा। और इसी डर से सऊदी अरब ने क्या किया था, पैसों के साथ साथ अपनी सेना भी दे दी थी, और इस सेना के दम पर और 34 देशों की सेना के दम पर अमेरिका ने क्या किया था, कुवैत पर से इराक का कब्जा को हटाने का प्रयास किया। देखिए इसमें जो था ना, अमेरिका का बहुत फायदा हुआ था। सबसे पहले तो अमेरिका ने इस युद्ध के लिए जितने देश थे, विश्व के जितने देश थे, सभी देशों से कुछ ना कुछ राशि मांगा, और ये टोटल राशि जो था वो 60 बिलियन डॉलर्स का था, जिसमें 40 बिलियन अकेले सऊदी अरब ने दिया था। अमेरिका इस युद्ध खर्च को अपने पास रखती है, साथ ही साथ इसमें जो भी हमला हो रहा था, जो भी घटनाएं हो रही थी, इस पूरी घटना का जिक्र जो था वो खुले तौर पर कर रहा था। खुले तौर पर मतलब क्या, इसे दूरदर्शन और बहुत सारे चैनल्स में दिखाया जा रहा था, ताकि अमेरिका दिखा सके दुनिया को अपना दबदबा, अमेरिका दिखा सके कि देखो हम कितना ताकतवर हैं, और इस तरह वो विश्व के सभी देशों को डराना चाहता था। अमेरिका के जो सेना अध्यक्ष थे उन्होंने इसमें क्या किया था, अपना हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा किया। हाँ, सभी अन्य देशों की सेनाओं को भी रखा गया था, सेनापति भी थे, लेकिन अमेरिका इसमें ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा था। उसे दो तरह से फायदा होने वाला था, एक तो आर्थिक और दूसरा उसको तेल भंडार मिलने वाला था कुवैत का, जो 57 में वो लेना चाहता था, मतलब इमोशन में, क्योंकि हम तो आपका मदद कर रहे हैं, अमेरिका का कहना था कि मैं आपका मदद कर रहा हूँ तो उसके एवज में आप भी कुछ दो। तो सीधा कुवैत ने ये गठबंधन किया था, या एक दस्तावेज पे साइन किया था, या बोल सकते हैं एक प्रोपेगेंडा अपनाया कि जिसके तहत अमेरिका को कुवैत जो है अन्य देशों से 25% कम मूल्य पर क्या करेगा, तेल देगा। और इसी के तहत अमेरिका ने क्या किया था, कुवैत की सहायता की। इस युद्ध को पूरी तरह ख़त्म होने में बहुत टाइम लगा, यानी 28 फरवरी 1991 को यह युद्ध, एक तरह से इराक हार चुका था, इराक वहां से निकल चुकी थी, लेकिन 1995 में जो इसका मुख्य था, ठीक है, 1995 जो इसका मुख्य था सद्दाम हुसैन, उनको फांसी दे दिया गया, उनको इसमें फांसी दे दिया गया। और फांसी के बाद पूरा इराक जो था वो अमरीकी दबदबे में कायम हो गई, मतलब इराक पर अब अमेरिका का दबदबा होने लगा और कुवैत को खाली कर दिया गया। देखिए इस युद्ध में एक चीज़ और बता देता हूँ, ये युद्ध 6 घंटा तक चला तो था, लेकिन इसमें पूरा जोरदार बोल सकते हैं 5 लाख से ज़्यादा सेना जो थी वो कुवैत में घुस चुकी थी। ये पूरा सेना जो था वो कोर कमांडर था, मतलब क्या, इसमें सभी देश मिल के हिस्सा लिए थे, 34 देश, जिसमें अमरीका था, कनाडा था, फिर आपका रूस था, उसके बाद आपका पाकिस्तान था, मोरक्को था और फ्रांस था। इस तरह बहुत देश इसमें मिलकर क्या किए थे, इस युद्ध को किए थे, लेकिन इसका पूरा खर्च यानी 75% का जो ये बोल सकते हैं कि रोल जो था वो अमेरिका का था, मतलब 75% रोल अमेरिका का था, अमेरिकी सेना 75% थी, बाकी 25% अन्य देश की सेना थी। इसमें पूरा जो संयोग था, कहा जाता है कि अमेरिका इसमें अपना बदला निकालना चाह रहा था इराक से, क्योंकि इराक का जो सद्दाम हुसैन के जो बातें थी वो हमेशा अमेरिका विरोधी होता था, इसलिए वो चाहता था कि इसी बहाने वो क्या करे, अपना बदला भी ले ले। तो इस तरह से क्या हुआ कि इस तरह से डिजार्ट स्ट्रॉम, या बोल सकते हैं ऑपरेशन डिजार्ट स्ट्रॉम, या गल्फ युद्ध को किया गया था। तीसरा जो था ये था अमेरिका द्वारा चलाया गया ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। अब ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या था, देखिए आपको पता होगा 9/11 के बारे में, 9/11 की वीडियोज़ को मैंने डाल दिया है, जिसे पहली बार YouTube में स्ट्राइक लगा था, ठीक है, और वापस वीडियो को मुझे दे दिया गया, तो 9/11 का वीडियो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ऊपर आई बटन में आपको दिखता होगा, आप क्लिक करके वहां जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत अच्छा से डीपली से बताया गया है। अब जरा जान लीजिए 9/11 का हमला होता क्या है। यहां पर अलकायदा के बहुत बड़े आतंकवाद या बहुत बड़ा नेता अलकायदा का ओसामा बिन लादेन क्या करता है कि अमेरिका की, ठीक है, दो बहुत बड़े बिल्डिंग्स और पेंटागन, तीन बिल्डिंग्स को तबाह कर देता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और साथ ही साथ पेंटागन का जो सुरक्षा बिल्डिंग है उसको तबाह कर देता है। इसके लिए वो 4 जहाज को हायर करता है और बहुत तबाही मचाता है, और इसी का बदला लेने के लिए, ठीक है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया जाता है, जिसके तहत 7 अक्टूबर को, ठीक है, 7 अक्टूबर को ब्रिटेन के साथ अमेरिका मिलकर के अलकायदा के उन सभी क्षेत्रों को तबाह करती है जहां पर उसे शक होता है कि यहां पर कोई आतंकवादी अलकायदा का छुपा हुआ है। इसके तहत अमेरिका में कई लोगों की गिरफ्तारी होती है, पाकिस्तान और कई मुस्लिम देशों के लोगों को क्या किया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, उन्हें मारा जाता है और उनसे सच उगलवाने का प्रयास करता है। और इस
ऑपरेशन के तहत बहुत ज़्यादा मात्रा में अमेरिका क्या करता है, बौखलाया रहता है ताकि वो जल्द से जल्द अपने 3000 लोगों के मरने का बदला ले सके। इसके लिए बहुत तबाही मचती है और अंततः अमेरिका जो है पाकिस्तान के एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन को पकड़ती है और उसे गुप्त तरीके से मार करके, उसे तो गोली वहीं मार देता है लेकिन उसे गुप्त तरीके से समुद्र के किसी क्षेत्र में फेंक दिया जाता है। अब यहाँ बात उठता है कि समुद्र में उसको क्यों फेंका गया? उसको तो गाड़ा जा सकता था ना, इसलिए फेंका जाता है कि अगर उसको गाड़ देता ना, अगर उसको कहीं गाड़ दिया जाता जमीन में, हो सकता था आतंकवाद उसको अपना पवित्र स्थान मान लेता और इस चीज़ को उस चीज़ में कन्वर्ट ना होने से बचाने के लिए या आतंकवादी संगठन का एक पवित्र स्थान ना बताने के लिए उनको सीधा समुद्र में डाल दिया जाता है। ठीक है, किसके? ओसामा बिन लादेन के डेड बॉडी को, जो पूरी तरह टॉप सीक्रेट रहता है कि कहाँ उसको फेंका गया है। इस तरह से ऑपरेशन एंडरिंग फ्रीडम चलाया जाता है। ये फ्रीडम जो था, एंडरिंग फ्रीडम का जो ये पूरा मिशन था, इसको पूरी तरह अमेरिकी सरकार और ब्रिटेन सरकार जज करती है। इसमें जो CIA होता है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि CIA लगातार अपने जितने भी संगठन और जितने भी शाखा थी उसका पूरा उपयोग करती है और वह विश्व को दिखा देती है कि अगर अमेरिका पर कोई हमला करता है तो अमेरिका उसको जाया नहीं जाने देगा, उसका बदला भी लेगा और साथ ही साथ पूरे विश्व को यह इत्तला कर देती है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। देखिए, अमेरिका शुरुआत से आतंकवाद के खिलाफ नहीं रहा था, उसको ये आम बात लगता था, लेकिन जब अमेरिका पर इतने सारे हमले हुए और इतनी सारी घटनाएं होने लगी तब अमेरिका की नींद खुली और अमेरिका ने भारत की इस नीति का समर्थन किया था। आज भी भारत जो है बहुत सारे ऐसे आतंकवादी गतिविधियों को रोक रहा है, लगातार जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है इसमें अमेरिका को भारत का पूरा सपोर्ट मिला है और भारत को भी अमेरिका का पूरा सपोर्ट मिला है। UN में ये मुद्दा भारत लगातार उठाते रहा है कि आतंकवाद को ख़त्म करो, ये किसी भी धर्म से जुड़ा नहीं है, इसका धर्म ही नहीं होता है। इस पर अमेरिका भारत का पूरा साथ देता है और आने वाले समय में भी दोनों देश जो है मिल करके आतंकवाद का सफाया करते रहेंगे। आशा करते हैं कि आपको तीनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।